बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं अपने मामू जान फखरे मेवात जनाब नबी अहमद खां साहब के साथ मौजूद हूं, और जैसा कि आप जानते हैं कि मेरे मामू जान ने महाभारत पर मुश्तमिल मेवाती की एक किताब लिखी है, और मैं अपने मामू से ये रिक्वेस्ट करता हूं कि मामू जान कुछ जो मेवाती के महाभारत हैं वो आप हमें सुनाएं। मेवाती कहावत है जी, चंद एक में आपको बता देता हूँ जी जी। आओ नहीं आदर नहीं नाने में दिए, ये तुलसी वाह घर में बुझाई हो चाहे कल दिन बरसे। वाह जी वाह। आस पास थोड़ा पड़ा सभी मजाक बजा में चाल बांध महल सूझे चला ऐसा काल करा मौत के बारे जी जी। आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर ये सिंहासन चढ़ बदल जाएंगे। आज बह 64 घड़ी मेरे और न कोई नैन नमाई की वजह नहीं कुछ और न कोई। अच्छे दिन पाचे गए गुरु से किया ना हेत अब किसका है क्या होती चिड़िया चुग गई खेत जी। आवत लेना हकी है जावत दिए रोए उसी ऐसा मिल के मोर फिर आवत लेना रो दिए जावत दिए मुस्काए तुलसी ऐसा मिल के नीच हो सकता है। आम फले नीचो नवे अरल सरल पूछाए शील वंत को नात दे नीच नमः। आसन दिगा भवन का तुलसी बिगड़ी को क्या हो आसन दिखा भगवान का बिगड़ी को क्या बोल काला तेरी पीठ अपनी दादा की तरह क्यों जी। और भाई अपना तो अनबोल नो रह गैर के साथ वो नदी जाएगा ये वो उम्र से छुपा। मामू इसके क्या मतलब है इस पहली को ये थोड़ा समझा दे। आप अपना तो अनबोल नो रह गैर के साथ जी जो अपने जो है उनसे अपने दोस्त अहबाब से सही तौर पर नहीं बोलता जी जी है और उनके और साथ ताल्लुक रखता है जी जी। तो इनका ऐसा है वो नर नहीं जाएंगे इनको उधर के पास तो उनको फल नहीं मिल सकता जी जी। बिल्कुल बिल्कुल जी माशाल्लाह जी बहुत ही अच्छे महावरात हैं। ये आप सुन रहे हैं फेसबुक के सामने सुन रहे हैं कि मेवाती लैंग्वेज कितनी गहरी और मीठी लैंग्वेज है। यहाँ देख रहे हैं कि मेवाती में पूरा अदब मौजूद है जी मामू जी। इकलो चलो हुए भारवा तो कैसे फूटे इकलो दौड़ा हुए दसन ने कैसे डूबे इकलो हुए गानिया वास नान बने तो गीत इकला तो वही भरा जो जंगल तपे अति। अर्जन नर को क्या बड़ो बखत बड़ो भगवान सारी लुट गई गोपनी वही अर्जन अच्छो मांस मत मरे मतिया को कुछ हो शोभा सारा नगर दिया तो जब तुम मेरे ये इमली का पार पे दो नर बैठा जाए जिनका तन फाटा मन ना मिला वो मुश्किल गंदा समाज। वाह कमाल जी मेवाती की आप शायरी सुन रहे हैं मेवाती के महाभारत आप सुन रहे हैं कि कितनी डीपली लैंग्वेज है मेवाती कितनी सुरीली और मीठी लैंग्वेज है ये आप देखें जी सर जी मामू जी। वो अच्छी सोबत बैठी है खाए नागर पान बुरी सोबत बैठे कटाए नाक और कान। हाँ जी यानी कि अगर बुरी सोबत कोई बैठेगा तो अपने नाक और कान कटवाएगा अपना नुकसान करेगा ये मतलब है कि इस पहेली का ये फेसबुक के दोस्त ये सुन रहे हैं जी मामू जी। एक बैल बेल की तुमरी एक मन की जात ये दरियाले रुलकर फिरे एक संतन के हाथ एक पेड़ का सरकना एक मन की जात एक अचानक खरोला बनत है एक ही कलम मिले के हाथ। वाह जी बहुत कमाल है उत्तम तो उत्तम मिले मिले नीच सु नीच पानी सु पानी में मिले कीच सु कीच क्या मतलब है जी मामू जी इसका क्या है ये सोबत का साथ जी जैसे मेरे अच्छे लोगों के साथ बैठा तो अच्छा बन पाएगा और दूसरों को तो बुरा पाएगा जी बिल्कुल। बोल एक अनमोल है जो कोई बोले जान ये तराजू तोलिए तब मुखबान ये है कि पहले तोलो फिर बोलो।